Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. It's Simardeep Kaur Sahani this side, yours truly the physiomedic. So yes, so as you all know that Maharashtra state has started its counseling process for NEET UG 2024. So yes, so in Maharashtra, the state counseling registration process has been started. So in this video, I'm going to explain you all everything ki kaise register karna hai, kahan pe register karna hai, kaun se points hai jo aapko yaad rakhne hai register karte waqt. और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिसेस है या इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या आपको याद रखना है रजिस्टर करते वक्त, तो आई विल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस टिल एंड, एंड एट द एंड इफ यू विल हैव एनी डाउट और एनीथिंग, यू ऑल कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और यू ऑल कैन टेक अ एसेस ऑफ द पार्ट दैट यू ऑल हैव डाउट इन एंड सेंड इट टू मी ऑन माय इंस्टा पेज और एल्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन टू. So yeah, so let's get started. So firstly, starting with register कहाँ करना है. So मैंने पहले भी अपने videos में बताया है कि आपको register करना है MHT CET site पे. तो आपको just Google पे type करना है MHT CET और जैसे आप MHT CET type करोगे आपको ये एक page दिखेगा. तो आपको just जो first option आ रहा है State Common Entrance Test Cell, उस पर बस click करना है. So जब भी आप click करोगे आपके सामने ऐसा page आ जाएगा और वहां पे आपको दिखेगा एडमिशन प्रोसेस 2024-2025. आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करते आपको ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा. मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि ऐसा पेज आएगा और वहां पे आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंडर नीट यूजी दिखेगा और जब नीट यूजी के आगे न्यू फ्लैश वर्ड करना शुरू हो जाएगा उसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. तो जैसे कि पहले न्यू वर्ड नहीं दिख रहा था और अब 17 से न्यू वर्ड जो फ्लैश करना शुरू कर रहा है तो मतलब है कि न्यू यूजी का रजिस्ट्रेशन जो है महाराष्ट्र स्टेट में वो शुरू हो चुका है. सो यस, सो अगर आप अभी क्लिक करोगे इस पे तो ओपन हो जाएगा. सो यस, सो दिस इज व्हाट द रजिस्ट्रेशन पेज लुक्स लाइक. सो जैसे कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पे साइन इन ईयर का बॉक्स है, न्यूज का बॉक्स है, नोटिफिकेशंस का बॉक्स है. तो आपको ये तीन बॉक्सेस दिख रहे हैं. सो फर्स्टली, जैसे कि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो इन दिस साइट तो आपको साइन इन तो नहीं करना है, आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे. तो यू ऑल विल क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपको ये स्टेप्स दिखेंगे विद इंस्ट्रक्शंस. मेक श्योर आप आगे बढ़ने से पहले ये सब इंस्ट्रक्शंस एक बार अच्छे से रीड कर लो एंड अच्छे से अपने दिमाग में रख लो कि क्या क्या आगे आपको लग सकता है और क्या क्या आपको याद रखना है आगे फिल करते वक्त. सो दिस, सो फर्स्टली आप जो भी अपने ईमेल आईडी से लॉग इन कर रहे हो मेक श्योर दैट इट इज अ वैलिड ईमेल आईडी एंड यू ऑल यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. क्योंकि आपको कुछ भी मेल होगा या आपका एडमिशन प्रोसेस का स्टेप होगा या पेमेंट डिटेल्स होगा, जो भी होगा वो ईमेल पे आएगा. सो मेक श्योर कि आप अपना जो रोज ईमेल यूज करते हो और जो वैलिड है वो यूज करो. देन नेक्स्ट स्टेप 3 इज बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड रीड द सेम केयरफुली. कैंडिडेट्स असेस द एलिजिबिलिटी बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेइंग फीस. सो यस, सो आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा जो मैंने आपको तीन बॉक्सेस दिखाए नीट यूजी का पेज खोलने पे. आपको वहां पे दिख गया होगा एक इंफॉर्मेशन ब्राउशर प्रोवाइड किया गया है. तो वो इंफॉर्मेशन ब्राउशर आपको ओपन करना है और रीड करना है. आई नो उसमें कुछ अराउंड 300-350 पेजेस है एंड इट्स रियली डिफिकल्ट कि एक पेज रीड करना. सो आई हैव लाइक जॉटेड डाउन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पेजेस और पॉइंट्स फ्रॉम दैट पीडीएफ. सो मैं वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कौन से इंफॉर्मेशन नेसेसरी है जो आपको याद रखने हैं. So we'll look at that afterwards. Then step 4 is candidate should note the password given by him her and keep in safe custody. तो आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हो लॉग इन करते वक्त या फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो भी पासवर्ड रख रहे हो मेक श्योर आपको याद रहे क्योंकि एंड तक आपको वो पासवर्ड और जो भी आपका फोन नंबर ईमेल आईडी वो सब अच्छे से एक जगह लिख के रख लो बिकॉज यू विल नीड इट एवरी नाउ एंड देन. Then step 5, please note that if candidate commits any mistake in filling the online application form, it cannot be corrected by this office. The office will take no responsibility of any kind for such form. तो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो मेक श्योर कि आप धीरे से आराम से एक एक पॉइंट रीड करके अच्छे से उसे
फिल करो, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया और वो सबमिट हो गया, देन इट्स रियली डिफिकल्ट टू चेंज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव फिल्ड। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि एमएचटी सीईटी ऑप्शन देता है आपको वापस अपना रेक्टिफाई करने का, हमेशा नहीं होता है ये। सो मेक श्योर कि आप जब फिल कर रहे हो आप उसको अच्छे से और करेक्टली फिल करो, और फिल होने के बाद भी एक बार रीड कर लो अच्छे से एंड देन सबमिट द फॉर्म। देन स्टेप 6 इज द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो भी क्राइटेरिया है टू बी एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग वो सब अच्छे से देख लेना है एक बार, क्योंकि जब तक आप एलिजिबल नहीं होगे और आप क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे होगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो वो सब भी जो भी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन दैट इन द वीडियो अहेड। सो या देन स्टेप 7 इज सेम कि आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना जो आप यूज करते हो और वैलिड वाला रखना है। देन स्टेप 8 इज आफ्टर रीडिंग अबव इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज टू क्लिक नेक्स्ट बटन टू डिस्प्ले एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने एक बार ये रीड कर लिया तो आपको नीचे नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा, आपको बस उस पर क्लिक करना है, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो भी प्रोसेस है वो दिखाई देगा। देन स्टेप 9 कैंडिडेट शुड लॉग इन विद एप्लीकेंट नंबर यूजर नेम एंड हिज अ यूनिक पासवर्ड एंड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज मेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देर इज नो प्रोविजन टू मेक चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर कन्फर्मेशन। देर इज नो प्रोविजन टू मेक चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर कन्फर्मेशन। कैंडिडेट कैन पे रजिस्ट्रेशन फी वाया ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन पेमेंट शुड बी डन टिल लास्ट डेट इन दिस नोटिस। सो अगेन जो आप पासवर्ड अपना रख रहे हो या और जो भी आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जब आप फिल कर रहे हो आपको अच्छे से एक बार रेक्टिफाई करना है कि आप जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो करेक्ट है या नहीं और जो वो आपके पास है या नहीं है। देन जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है वो आप या तो ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जी पे या एनीथिंग उससे पे कर सकते हो आप। और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो लास्ट डेट जो भी मेंशनड है उसके पहले हो जाना चाहिए। देन कैंडिडेट हैज टू मेक पेमेंट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। सो इसमें एक ही ऑप्शन है पेमेंट का, दैट इज ऑनलाइन पेमेंट। ऑफलाइन पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो मेक श्योर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल हो। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर पेमेंट सक्सेसफुल। इंस्ट्रक्शंस फॉर द इमेज अपलोड आर एज फॉलोज। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेस देन 300 KB। देन डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। सो आपको जब आप फिल कर रहे हो फॉर्म आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। जो भी इन्फॉर्म मतलब आपको फिल करना है फॉर्म उसमें आपको अपलोड करना है आपके सब डॉक्यूमेंट्स। तो मैं वो लिस्ट भी बताऊंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फॉर्म फिल करना शुरू कर रहे हो उसके पहले ही आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको स्कैन कर लेना है और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना है। और जो वो पीडीएफ का साइज होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 300 KB। अगर आपका जो पीडीएफ है वो 300 KB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप अपना जो भी फिल करने से पहले एक बार सब डॉक्यूमेंट्स का अलग से बना के रख लो पीडीएफ। नेम नेम इट अलोंग अलोंग विद दैट 300 KB के अंडर होना चाहिए वो पीडीएफ। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से ऐप से आप ये सब कर सकते हो तो यू ऑल कैन यूज डॉक स्कैनर। डॉक स्कैनर नाम का एक आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे, तो आप उससे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके एंड देन यू ऑल कैन मेक इट अंडर 300 KB। यू ऑल कैन कंप्रेस द पीडीएफ एंड मेक इट अंडर 300 KB। सो या सो दिस वाज इट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। Then application need not send copy of application form or any document to this office. However, candidate may take printout of application. So वो simple है कि आपका जो भी आपने fill कर दिया और आपका submit हो गया form, उसके बाद बस आप अपना उधर option आएगा download the form, तो आप वो download कर सकते हो और वो printout लेके अपने पास रख सकते हो for future purposes. So yeah. So no proxy will be allowed at the time of physical document verification. सो अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेक श्योर कि अभी आप महाराष्ट्र में प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है फिर उसके कुछ टाइम बाद जो है एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपका लिस्ट में एक बार नाम आ गया तो आपको बुलाया जाएगा कॉलेज में
अलोंग विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सब मतलब बताए हैं कि मेरे पास है, वो आपको फिजिकली दिखाने पड़ेंगे कि यस आई हैव ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स. सो यू ऑल नीड टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम वाइल द फिजिकल वेरिफिकेशन. सो मेक श्योर कि अभी आप आउट ऑफ टाउन ना हो और एंड यू ऑल आर नियर द कॉलेज जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हो. तो अगर आपके पास नहीं है तो मेक श्योर कि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, उसके पहले आप जल्दी से बनवा लो वो सब डॉक्यूमेंट्स. और फिर भी अगर आपको MST CT से कुछ डाउट्स है या कुछ इंक्वायरी है, तो आप उनके साइट पे कांटेक्ट करके उनको पूछ सकते हो. दिस वाज इट अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन. तो जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे उस पर आपका ये सब आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करना है ये वो. और आपने जब ये रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका एक अकाउंट बन जाएगा. ओके तो अभी मेरे पास नीट रोल नंबर नहीं है, ना मेरे पास नीट एप्लीकेशन है, तो मैं इस पे रजिस्टर नहीं कर सकती हूँ. बट आप लोग के पास है तो आप लोग अपना नीट का रोल नंबर डाल के, एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग वो सब करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो. सो वंस यू ऑल हैव क्रिएटेड योर अकाउंट, आपको वापस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है. आपको बस साइन इन करना है, आपका जो फोन नंबर है वो डालना है, एंड देन एंटर पासवर्ड, एंड देन यू ऑल विल लॉग इन इनटू योर अकाउंट. और फिर आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब फिल करना शुरू कर सकते हो. सो दिस वाज द बेसिक नॉलेज कि कैसे करना है रजिस्टर. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज न्यूज एंड इंफॉर्मेशन. सो पहले तो हम लोग नोटिस पढ़ लेते हैं जो भी नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर UG काउंसलिंग आया है. सो यस, सो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो CT वालों ने है वो लोग ने एक नोटिस दिया है, दैट इज नोटिस नंबर 1. सो ये नोटिस नंबर 1 है फॉर नीट UG 2024. ऐसे ही आपको MHCCT के साइट पर बहुत सारे नोटिसेस दिखेंगे. एज द टाइम प्रोग्रेसेस बहुत सारे नोटिसेस अपलोड होंगे. सो इस नोटिस में क्या बोला है, जो भी है वो है एडमिशन प्रोसेस फॉर हेल्थ साइंसेस. मतलब उन्होंने सब क्लैरिफाई किया है कि कौन से डेट पे शुरू हो रहा है और कौन से डेट पे एंड हो रहा है. सो या सो बेसिकली इस पे बोला है द एडमिशन प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एंड एडेड कॉर्पोरेशन हैज बीन स्टार्टेड. मतलब महाराष्ट्र स्टेट का शुरू हो चुका है. एंड फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड फी इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग द एडमिशन टू वेरियस साइंस कोर्सेज. जैसे MBBS का शुरू हो गया, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BPTH, BOTH, BASLP एंड BPO. सो कैंडिडेट्स नॉट फिलिंग अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी एडमिशन और टू एनी कोटा. सो बेसिकली अभी महाराष्ट्र में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि MBBS या फिर BDS या फिर BPTH या फिर BHMS, आपको इसमें से किसी में भी एडमिशन लेना हो, में बी इट MBBS, BDS, BPTH, BHMS या एनीथिंग, आपको रजिस्टर सबको साथ में ही करना है. यू ऑल हैव टू रजिस्टर नाउ ओनली. सो बेसिकली आपको सबको अभी ही रजिस्टर कर लेना है. कभी भी मतलब मे बी जो BPTH, BHMS उनका जो चॉइस फिलिंग है वो बाद में शुरू हो, क्योंकि वो ग्रुप बी सी में आता है. बट लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सबका एक साथ ही होता है. सो अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया, देन यू ऑल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दी फर्दर काउंसलिंग. सो योर एवरीवन हैज टू रजिस्टर नाउ. सो मेक श्योर कि आप रजिस्टर कर लो साइट पे. तो डेट दिया हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का. सो द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेशन अप्लाई फॉर ऑल दी कोर्सेस इज हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 17th एंड इज एप्लीकेबल अंटिल 23rd of August टिल 8 PM. सो 23rd August के 8 PM तक यॉल कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो पेमेंट का भी वही है, आपको 23rd तक पेमेंट कर सकते हो. बस टाइम एक्सटेंड हुआ है, आप 12 बजे तक टाइम दिया हुआ है आपको, आप तब तक पे कर सकते हो. सो या सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस. आपको ये सब डेट्स जो है वो अच्छे से ध्यान में रखने हैं. सो या नाउ यहाँ पे अपलोडिंग ऑफ कलर्ड स्कैन कॉपी ओरिजिनल ये सब भी दिया हुआ है. उसका भी टाइमिंग है 23rd तक 12 बजे तक. वो भी आप 12 बजे तक अपलोड कर सकते हो. सो या
नाउ दी शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट कैप राउंड, मतलब अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जो कैप राउंड होते हैं जैसे राउंड वन, मेरिट लिस्ट वन, मेरिट लिस्ट टू, वो सब कैसे होंगे वो आपको यहाँ पे बताया। कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्वेस्टेड ओरिजिनल एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। सो या सो मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट्स करने हैं। इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सो आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर एंड फेमिलराइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग सिस्टम। सो इन्होंने बोला कि एक बार आप चेक कर लो कि चॉइस फिलिंग और वो सब प्रेफरेंस कैसे होता है। सो यस आई विल अपलोड दैट वीडियो, पर अभी उसको टाइम है। सो आई विल अपलोड, जो बीच में टाइम मिलेगा आपको तब मैं अपलोड कर दूंगी कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे लिस्ट बनानी है एंड एवरीथिंग। सो कैंडिडेट शुड ऑल्सो एसेसनेट हर हिज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेस। सो रजिस्टर करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी मस्ट क्लेम सो इन टू एप्लीकेशन बिफोर सबमिटिंग सेम। सो अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको वो फिल करना है फॉर्म में एंड मेक श्योर वो डॉक्यूमेंट हो आपके पास। ऑल द कैंडिडेट शुड विजिट, सो या वही की सीटी साइट आपको विजिट करना है फॉर ऑल द अपडेट्स। सो या अब यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, मतलब अगर आप पहली बार फिल कर रहे हो तो कैसे वो जाएगा स्टेप वाइज वो आपको बताया। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सेशन के लिए अप्लाई करना है। सो सेशन है मतलब यहाँ पे दिया रहेगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सो ग्रुप ए में जो है वो है एमबीबीएस एंड बीडीएस। ग्रुप सी में आएगा आयुष कोर्सेस, आयुष कोर्सेस में आपका आएगा बीएचएमएस, बीएएमएस, तो ये सब आएगा ग्रुप बी में। एंड ग्रुप सी में आता है अलाइड कोर्सेस। सो अलाइड कोर्सेस में आपका आएगा फिजियोथेरेपी, बीपीटीएच, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी एंड एवरीथिंग। तो ये सब आता है ग्रुप सी में। तो अगर आप मतलब आपका आपको अप्लाई करना है सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए, मतलब आपको एमबीबीएस इसके लिए जाना ही नहीं है, तो आप सिर्फ ग्रुप सी सेलेक्ट करोगे। बट अगर यू नो मे बी आपको लगता है कि आपका आपके पास कैटेगरी और आपका मार्क्स भी थोड़ा ज्यादा है तो मे बी चांसेस है आपको एमबीबीएस या बीडीएस में भी मिल जाए या आयुष में मिल जाए, तो यू ऑल कैन सेलेक्ट ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। मतलब आप तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही ग्रुप को सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है यस पार्टिसिपेट करके देख लेते हैं काउंसलिंग में, क्या पता अगर कॉलेज लग जाए कोई, तो आप तीनों ग्रुप में कर सकते हो। बट अगर आपका मतलब फिक्स है कि आपको ग्रुप सी में ही लेना है, यू ऑल डोंट वॉन्ट टू गो फॉर ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो आप सिर्फ ग्रुप सी को सेलेक्ट कर सकते हो। सो या फिर उसके बाद आपने सब फिल कर दिया, फिर आपका आएगा पेमेंट। तो आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट का भी उसमें अलग अलग ऑप्शन है। स्टेट कोटा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका फीस अलग है, एंड इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका फीस अलग है। तो वो मैं आगे बताती हूँ कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने पहले ही बोले कि फिल करने से पहले ही आपको सब स्कैन करके रख लेने हैं, वो अपलोड करने हैं एंड टेक प्रिंटआउट, मतलब सब सबमिट हो गया उसके बाद प्रिंटआउट निकालो। आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट हैज टू पास प्रेस सबमिट बटन। तो सबमिट हो गया, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अ रजिस्टर्ड। अगर आपका एक बार हो गया, पेमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, आपने सबमिट कर दिया, तो आप रजिस्टर हो जाओगे एमएचटीसीटी साइट पे फॉर द स्टेट काउंसलिंग। कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन ऑनलाइन फॉर्म एंड केयरफुली चेक एंड एडिट इट। यस सो आपको एक ही बार फिल करना है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग अकाउंट से लॉग इन करके बार बार नया अकाउंट बना रहे हो और फिर यू नो फिल कर रहे हो। एक ही बार आपको फिल करना है और अच्छे से करना है। द ऑनलाइन विल बी क्लोज। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये मेन है। जब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे आप आगे के कोई भी स्टेप्स के लिए प्रोसीड नहीं कर पाओगे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं नहीं अभी नहीं करता हूँ रजिस्टर, या डायरेक्ट जब चॉइस फिलिंग होगा तब मैं रजिस्टर करूंगा, या फिर जब राउंड टू शुरू होगा तब मैं रजिस्टर करूंगा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी ही रजिस्टर करना है आपको, अभी के अभी रजिस्टर करना है आपको। कभी कौन से भी राउंड में लेना हो एडमिशन, कभी भी लेना हो, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो अभी होगा। अगर आपने ये एक बार मिस कर दिया तो आप आगे किसी के लिए भी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। एट सम ऑफ द प्लेसेस ग्रुप कैन गिव मनी टू एजेंट।
सो इसमें बोला है कि अगर आप कोई साइबर से या फिर उससे करवा रहे हो तो यू ऑल मेक श्योर कि वो सही हो और अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो एमएसटी सीटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यू ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। सो मेक श्योर कि आप अगर साइबर से करवा रहे हो तो वो ट्रस्टेड पर्सन हो और अच्छे से हो जाए। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन यस। सो वही कि 300 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, और जो आप सबमिट कर रहे हो वो जब आप फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वो आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। सो दिस वाज द ओनली बेसिक नॉलेज दैट यू ऑल नीड राइट नाउ। सो या सो दिस वाज इट अबाउट द नोटिस। नाउ कमिंग टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो या सो ये है एक मेडिकल फिटनेस जो आपको लगेगा, अभी तो मोस्टली ये नहीं लगता है, बट जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो कॉलेज में तब आपको लगेगा। तो मेक श्योर कि आप ये आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउशर में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ये आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे फिल करवाना है, और यहाँ पे जो मेडिकल फिटनेस एनेक्शर एच लिखा है वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर का लेटर हेड लगवाना पड़ेगा। सो या देन अगर आप हिली एरिया से हो रिजर्वेशन के लिए या फिर कोई बॉर्डर पे हो महाराष्ट्र कर्नाटका, तो उनका भी ये एनेक्शर है, एक बार मेक श्योर कि आप इसके गो थ्रू कर लो अगर आप वहां से हो तो। देन द नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट्स, या सो जो आपको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स वो सब दिए हुए यहाँ पे। सो कौन से है वो मैं बता देती हूँ एक बार। फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, एडमिट कार्ड, नीट यूजी का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एसएससी का, एचएससी का, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर नीट यूजी पे जो आपने फिल किया था वो फॉर्म आपको सबमिट करना है, आधार कार्ड। सो या सो मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्टली द मेन विच इज आधार कार्ड, देन यू हैव द एचएससी मार्कशीट, देन यू हैव द एसएससी मार्कशीट, लीविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नीट यूजी मार्कशीट, नीट यूजी एडमिट कार्ड, देन यू हैव द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज अगर आप कोई कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अलोंग विद दैट यू ऑल नीड वैलिडिटी टू फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो आई विल एक्सप्लेन क्या होता है ये। सो ये कुछ बेसिक्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब चाहिए होंगे आपको, और यस इम्पोर्टेंट अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। सो या सो ये सब है। सो बेसिकली ये तो आपके पास होगा एचएससी एंड एसएससी। सो अब इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके लिए आपको एचएससी एसएससी मार्कशीट शुड बी डन फ्रॉम फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ। ओके, अगर आप दूसरे स्टेट से आपने 10th और 12th किया है देन यू ऑल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग अंटिल एंड अनलेस योर पेरेंट्स और योर फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और यू नो इन डिफेंस और एनीथिंग। सो अगर आपके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर कुछ डिफेंस में है तो ही अगर आपके पास एसएससी और एचएससी नहीं है महाराष्ट्र का देन इट्स वैलिड। बट अगर आप आपके पास ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पापा या कोई भी
जो बाहर काम करता है, मतलब बाहर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है, या फिर जो जिनको स्टेट चेंज करते रहना पड़ता है, तो अगर वैसा नहीं है तो आपको 10th और 12th महाराष्ट्र से ही करना पड़ेगा, देन ओनली ऑल विल बी एलिजिबल. एंड नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट. महाराष्ट्र डोमिसाइल इज कंपल्सरी, मैंडेटरी, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाइल यू आर रजिस्टर. सो या, सो नीट यूजी मार्कशीट एडमिट कार्ड तो होगा ही आपके पास. देन कमिंग टू कैटेगरी सर्टिफिकेट, सो अगर आप एससी से हो, ओबीसी हो, या फिर आप एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो अगर आप ये सब कैटेगरी से हो तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली एंड ओनली फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट. अगर आपके पास सेंट्रल का है तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर आपके पास सेंट्रल का है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो डालो ही नहीं. अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है ये सब का, देन ओनली अपलोड इट. क्योंकि मेरा मेरे पास जो था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट. सो मैंने भी अपलोड कर दिया था, बट जब बाद में आपका अगर एडमिशन हो जाता है उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, फाइन एंड एवरीथिंग होता है. सो मेक श्योर कि अगर आपके पास सेंट्रल का है तो आप अपलोड बिल्कुल भी ना करो, स्टेट गवर्नमेंट का ही होना चाहिए. और नेक्स्टली जो ओबीसी एंड एससी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये सब होता है, उसके लिए वैलिडिटी चाहिए होता है फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट. सो आप मेक श्योर करो कि आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बना लो बिफोर द एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट. सो ये सब है जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. और वो फिटनेस वाला भी एक इम्पोर्टेंट है, बट मोस्टली वो जब आप एडमिशन करवाने जा रहे हो कॉलेज में तब काम आता है, अभी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं. बट अगर आपसे बन रहे तो अभी बना लो वो विद द लेटर हेड ऑफ द डॉक्टर. सो या, और गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है, कितने साल का गैप लिया, वो सबका गैप सर्टिफिकेट. सो या, सो दिस इज अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स. सो या, सो इसमें भी वही सब मेंशन किया है, जैसे डोमिसाइल जो भी आपका है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, एचएससी, ऑनलाइन एप्लीकेशन, आधार कार्ड, फिर या सी ऑल दिस. ओके, सो हाँ, पीडब्ल्यूडी का भी एक होता है, तो अगर आप उसमें हो तो या. सो दिस वाज इट. सो नाउ कमिंग टू, ये हो गया. अब हाँ, ये एक आपको दिखेगा नीट यूजी, मतलब शेड्यूल टाइप दिखेगा. तो फर्स्टली आपका नीट यूजी का आ गया, तो ये सब तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कब आपका मेरिट लिस्ट 1 निकलेगा, मेरिट लिस्ट 2 निकलेगा एंड एवरीथिंग. सो या, ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है. आप एक बार अगर वो इंफॉर्मेशन ब्राउचर के थ्रू चले गए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से. सो या, सो ये सब, हाँ ये, अगर आप आपको बनवाना है अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वैलिडिटी, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर में आपको वो सब मिल जाएगा. सो आई मेक श्योर, सो मेक श्योर टू गो थ्रू दी इंफॉर्मेशन ब्राउचर. सो आपको इसके थ्रू जाना ही है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद इसके थ्रू जाओगे आपको क्लियर नहीं होगा. मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, आप एक बार खुद रीड कर लो, और अगर फिर आपको उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो. सो मैं आपको दिखा देती हूँ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कहाँ मिल जाएगा आपको. ये देखो, ये यहाँ पे दिखेगा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर. आपने ये खोला तो आपको ये 300 या आई गेस 350 पेजेस का एक ब्राउचर है. ओके, सो वेट, हाँ सो या, ये खुल गया है. सो देख लो, ये 2024 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है. देख, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में सब कुछ मिल जाएगा. एक बार प्लीज प्लीज अच्छे से इसके गो थ्रू कर लो, एंड यू ऑल विल बी क्लियर विद एवरीथिंग. सो या, सो आपको देखो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. सो इससे बस एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड देन यू ऑल विल बी क्लियर. सो अब नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टू पार्टिसिपेट इन एमएचटी सीटी काउंसलिंग,
दैट इज द स्टेट काउंसिल. फर्स्ट पॉइंट यू ऑल शुड बी डन HSC एंड SSC फ्रॉम महाराष्ट्र. सेकेंड पॉइंट इज 50% पासिंग इन 12th स्टैंडर्ड. थर्ड पॉइंट इज डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र. देन फोर्थ पॉइंट इज ऐसा कंपलसरी तो नहीं है बट मोस्टली यही तीन पॉइंट्स है. तो फोर्थ पॉइंट इज नॉट लाइक मैंडेटरी सो आई विल नॉट मेंशन दैट. सो फर्स्टली तो HSC और SSC आपको महाराष्ट्र से ही किया होना चाहिए. 50% आपको 12th में पासिंग चाहिए एंड देन यू ऑल शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र. सो फोर्थ पॉइंट फिर भी बोल देती हूँ कि नीट में आपको एटलीस्ट यू नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए. मतलब यू ऑल शुड बी अबव लाइक 50 एटलीस्ट 50 स्कोर या फिर 100 इतना तो आपका स्कोर होना चाहिए कि आप एटलीस्ट एलिजिबल हो पाओ टू पार्टिसिपेट. सो मेक श्योर कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप HSC महाराष्ट्र से किया हो. 12th स्टैंडर्ड में PCB में आपका 50% पासिंग होना चाहिए. डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और नीट में आप एलिजिबल होने चाहिए. दैट्स दी ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी स्टेट काउंसिलिंग फॉर BPTH. अगर आपने HSC और SSC महाराष्ट्र से नहीं किया है पर आपके पास डोमिसाइल है तो आप एलिजिबल हो सकते हो एंड ओनली इफ योर पेरेंट्स इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. सो अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर डिफेंस में है जिनका यू नो काम बार बार चेंज होता रहता है और अगर आपने HSC SSC महाराष्ट्र से नहीं किया तो ही चलेगा. वरना अनटिल आपका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते अगर आपके पास ये सब नहीं है. सो या सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MHDC. सो या दिस वॉज इट फॉर दैट. नाउ कमिंग टू द मेन नेक्स्ट थिंग दैट इज आप जब कर रहे होगे मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे आपको फर्स्टली एक ये वाला पेज दिखेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए. तो ये मैंने बता दिया कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए. देन आपको दिखेगा स्टेट कोटा इंस्टीट्यूशन कोटा फॉर ऑल कोर्सेस बोथ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन कोटा ओनली अलाइड कोर्सेस स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन कोटा. सो पहले तो है स्टेट कोटा देन है IQ then is both state and IQ and then is only allied state and IQ. so it's just state quota hai wo kya hai wo hai you all will get into government colleges and private colleges or semi government थ्रू मेरिट. मतलब आपका जो भी फीस है मतलब सॉरी आपका जो भी स्कोर है आपको उसके प्योर बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में थ्रू मेरिट. और उसका जो फीस होगा जो नॉर्मल फीस होता है वही होगा ठीक है नॉर्मल फीस होगा. बट अगर आप इंस्टीट्यूशन कोटा से जाना चाहते हो तो मोस्टली इंस्टीट्यूशन कोटा सेलेक्ट जो करते हैं उनका स्कोर लेस होता है तो वो सिलेक्ट करते हैं और जो फीस होगा वो 3 times होगा नॉर्मल फीस से. तो अगर आप इंस्टीट्यूशन कोटा में जाना चाहते हो तो मेक श्योर कि अगर आप यू नो आपको लगता है कि आपको अपने स्कोर पे नहीं मिलेगा तो ही इंस्टीट्यूशन कोटा डालो. फिर अगर आपको लगता है कि मे बी देर आर चांसेस कि मुझे स्टेट कोटा से भी मिल सकता है मतलब मेरे मेरिट पे भी मिल सकता है बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क एंड गो थ्रू इंस्टीट्यूशन कोटा ऑल्सो तो आप दोनों बोथ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन कोटा डाल सकते हो व्हाइल फिलिंग. सो दिस इज फॉर द MBBS BDS BHMS आयुष कोर्सेस अलाइड कोर्सेस एवरीथिंग. सो अगर हाँ तो अगर आप मतलब आपको BPTH करना है एंड यू आर वांट टू गो थ्रू स्टेट ओनली मतलब मेरिट के बेसिस पे ही जाना है
देन यू ऑल हैव टू चूज ऑप्शन वन, दैट इज स्टेट कोटा. ओके, सो अगर आप बीपीटीएस करना चाहते हो, आपको पता है आपका स्कोर अच्छा है, आपको स्टेट में मेरिट के थ्रू मिल जाएगा, तो आपको ऑप्शन चूज करना है वन. बट अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत कम है और आपको स्टेट के थ्रू नहीं मिलेगा, तो आपको आईक्यू के साथ जाना है, मतलब इंस्टीट्यूशन कोटा के थ्रू जाना है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको दोनों से भी मिल सकता है, मे बी देयर चांसेस नहीं मिले नहीं मिले, तो आप दोनों सिलेक्ट कर लो. सो अगर आप ये तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट करते हो, तो आप एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, ये सब के लिए भी कर सकते हो रजिस्टर. बट अगर आपका फिक्स है कि आपको सिर्फ अलाइड, अलाइड मतलब बीपीटीएच के लिए जाना है, और आपको स्टेट या आईक्यू के थ्रू जाना है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, मतलब 250+ या 300+, या अगर कैटेगरी में 200+ भी है, तो आप स्टेट कोटा सेलेक्ट कर सकते हो. सो अगर आपको लगता है आपको मिल जाएगा ये स्कोर पे कॉलेज, तो आप स्टेट कोटा सेलेक्ट कर सकते हो. नहीं तो अगर आपको सिर्फ बीपीटीएच के लिए जाना है, ओनली अलाइड, तो स्टेट या इंस्टीट्यूशन कोटा दोनों, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किसके थ्रू जाना है. और एक पॉइंट कि जो फीस है वो डिफर होगा, जो स्टेट कोटा का है वो सिर्फ 1000 रुपीज है. अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, सिर्फ 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन है. पर अगर आप इंस्टीट्यूशन कोटा सेलेक्ट करते हो किसी में भी, तो उसका फीस 5000 होता है. सो ये एक डिफरेंस है, तो मेक श्योर कि आप वो याद रखना. सो स्टेट कोटा, इंस्टीट्यूशन कोटा, बोथ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन कोटा, एंड अलाइड कोर्सेस स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन कोटा. सो अगर आपको इसमें फिर भी कोई डिफिकल्टी है या समझ नहीं आ रहा है, यू कैन डीएम मी और आस्क मी इन कमेंट्स. हाँ, नेक्स्ट ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. अगर आपको तीनों के लिए अप्लाई करना है, तो आप तीनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो. नहीं तो अगर आपको सिर्फ अलाइड के लिए अप्लाई करना है, तो आप सिर्फ अलाइड के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो या सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग. सो अब वो फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, क्या क्या पॉइंट्स है, अगर आप एक बार खोल के देखोगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा. यू ऑल डोंट हैव टू लाइक थिंक सो मच, इजी है. बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन सा क्या सिलेक्ट करना है, वो मैंने बता दिया है. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से करो जो भी. एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, देन यू ऑल कैन आस्क मी. सो अगर आगे मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ जो चॉइस फिलिंग एंड एवरीथिंग पे, पर उसको भी टाइम है. सो आई विल अपलोड दैट शॉर्टली. फर्स्ट 23 के पहले तक आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, पेमेंट कर दो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, एंड देन यू ऑल शुड मूव अहेड, आई थिंक. सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्रॉम माय साइड. बट इफ इफ आई थिंक दैट आई हैव मिस्ड एनीथिंग, देन आई विल कीप यू ऑल अपडेटिंग. एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जॉइन माई व्हाट्सएप चैनल. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो मेक श्योर दैट यू ऑल फॉलो माई व्हाट्सएप चैनल. सो क्योंकि मैं वहाँ पे सब जो भी आपके इम्पोर्टेंट नोटिसेज है या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ. सो मेक श्योर कि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो. ऑल्सो यूट्यूब पे जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ, वो भी एक बार चेक करते रहना, क्योंकि उस पर भी मैं डालती रहूँगी. सो दैट वॉज इट अबाउट एवरीथिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से रजिस्टर करो. अगर आपको डाउट है, यू ऑल कैन टेक एसेस एंड सेंड डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो या आपको पता ही होगा मेरा फिजियोमेडिक का पेज. सो या सो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो दैट वॉज इट एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम फॉर दी चॉइस फिलिंग रिलेटेड वीडियो. सो या सो मैं सैम्पल के लिए आपको कैसे डेमो फिल करना है, वो एक दूसरे चैनल का शेयर कर दूंगी वीडियो. सो दैट वाज इट. बाय, थैंक यू.